फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना इमिग्रेशन जो है प्रोसेस वो कैसा रहा, और इजी था, टफ था, क्या पूछते क्या नहीं पूछते, तो वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो न्यू है मेरे चैनल को, मैं बता दूँ मैं हूँ एक स्टूडेंट, कैनेडा में हूँ मैं अभी, और मैं जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टडी कर रही हूँ। एंड मुझे यहाँ आए हुए 15 दिन हो चुके हैं। तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं कैनेडा में एडमिंटन में हूँ। तो मैंने जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक वही है कि इमिग्रेशन पे, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं ना, तो इमिग्रेशन का एक सबसे बड़ा एक वो रहता है कि इमिग्रेशन है और कैसे क्लियर होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो सब माइंड में रहता है। तो मैं सोचा चलो इस पे एक जो ना वीडियो बनाई जाए। एंड ये कोई भी ऐसे बड़ा चढ़ा के कोई वीडियो ऐसे नहीं बनाने वाली, बहुत ही सिंपल सी वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो मुझे भी ये था कि मतलब डर लग रहा था, हर किसी को लगता है कि इमिग्रेशन है, पता नहीं क्या पूछेंगे, क्योंकि बोलते हैं कि अगर इमिग्रेशन आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको वापस भेज देंगे। तो रुको रुको भाई रुको इतना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी और मतलब इमिग्रेशन मीन्स मतलब स्ट्रेस, ऐसा था वीडियोस का। तो देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और मैं सिर्फ अपना ही नहीं, मैं वहाँ पे मुझे वेट करना पड़ा था कनाडा इमिग्रेशन पे अराउंड 20 to 30 minutes इतना लगा था। तो मेरे सामने बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, उनका इमिग्रेशन हुआ था और वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्या आंसर कर रहे हैं, वो मतलब ऐसे सुनाई दे रहा था। तो मैं वहीं पर थी, तो मैं उसके बेस पे भी आपको बता सकती हूँ। तो देखो सबसे पहले तो जब भी आप इंडिया से बाहर जाते हो, इंटरनेशनली ट्रेवल करते हो, तो आपको अपने एयरपोर्ट पे जो है ना इमिग्रेशन, आपकी जो होम कंट्री होता है वहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ता है। तो मेरा जो था दिल्ली का था, तो दिल्ली का एक्सपीरियंस ये मेरा भी और भी लोगों का यही है कि दिल्ली इमिग्रेशन पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। तो मेरा तो सीन ऐसे हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि इमिग्रेशन का काउंटर कब गया क्योंकि टिकट्स वगैरह लेके मैंने एक्सचेंज करवाई थी, मैंने टिकट वगैरह लेके मैंने पूछा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल था तो मैं पूछते हुए ही आई थी। और मतलब चलो वैसे आपको अपना एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। तो वहाँ पे मतलब जब भी आप इंटरनेशनली आते हो ना, तो ऐसा लगता है हम कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो यार एयरपोर्ट पे है ना मतलब जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो हमेशा आपकी हेल्प करता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप पूछ सकते हो, जैसे आप फर्स्ट जिस काउंटर पे जाते हो वहीं पे नेक्स्ट स्टेप के लिए पूछ सकते हो, कि वैसे तो खुद ही बता देते हैं, लेकिन अगर नहीं भी बताते तो आप पूछ सकते हो कि इसके बाद मुझे क्या करना है, तो वो आपको आराम से बता देंगे। तो मेरा सब होने के बाद उन्होंने मुझे खुद ही बोल दिया था कि आप ऐसे यहाँ से सीधे चले जाइए, सामने इमिग्रेशन का इंटरनेशनल का वो है, इमिग्रेशन का बोर्ड है, तो आप वहां से चले जाओ सामने वाले गेट से। मैं कहा ठीक है। तो मैं वहां पे गई, तो मतलब वहां पे काफी लंबी लाइन थी और काफी सारी क्यू थी वहां पर। तो वहां पे जाकर के सब लोग लाइन में लगे हुए थे। तो मैं गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ। तो जैसे मैं काउंटर पे पहुंची, तो वो ऐसे मतलब अलग अलग करते थे भीड़ पे, तो मैं खड़ी थी अपने बारी का वेट कर रही थी। तो सबसे बड़ी चीज तो अपना पासपोर्ट हमेशा हाथ में रखो, अपना पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास, ये दो चीज अपने हाथ में रखना। तो जस्ट उस बंदे ने मुझसे पूछा कि अपना बोर्डिंग पास और वो दिखाओ मुझे, अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दे दो। तो मैंने उसको दे दिया, उसने बोला ओके, मैं कहा ठीक है, मैं निकल गई। निकलते ही वहां से मैं यार सिक्योरिटी चेक हो गई, उसके बाद सिक्योरिटी चेक का था, तो सारा सिक्योरिटी चेक हो गई। सिक्योरिटी चेक होके मैं सीधा ड्यूटी फ्री में, मैं देख रही हूँ ड्यूटी फ्री में आ गई हूँ मैं। मैं कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है। मैं वापस से थोड़ा सा पीछे गई, फिर मैंने पढ़ा कि हाँ दिल्ली ड्यूटी फ्री एरिया। मैं कहा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैं ये तो तब आता है जब इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है, और इमिग्रेशन तो मेरा हुआ ही नहीं, मतलब मैंने कोई स्टेप मिस किया, मैं तो डायरेक्ट आ गई हूँ, मैं कुछ गलत किया। बट फिर पीछे से मेरी फ्रेंड आ रही थी, तो मैंने उससे पूछा, कह रही नहीं नहीं ठीक आई है, ये वही एरिया है। मैं कहा चलो ठीक है। तो जहाँ पे उस बंदे ने मुझसे जो पासपोर्ट और मेरा बोर्डिंग पास देखा था ना, वही इमिग्रेशन था। उसने कुछ भी नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया, बोर्डिंग पास देखा, उस पर स्टैम्प मारी और चलो। तो ये है भाई दिल्ली एयरपोर्ट का इमिग्रेशन। तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इसमें मैं अपने देवर का बताती हूँ, उनसे सिर्फ ये पूछा था कहाँ जा रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हो और कौन सा कोर्स है, दो तीन क्वेश्चन बेसिक से दो तीन क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो वो आपको पता ही होता है कि आपने कहाँ पे एडमिशन लिया, आपका कोर्स कौन सा, आप कहाँ पे जा रहे हो, कितना लेंथी है, तो बेसिक से यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये था अपना इंडिया वाला इमिग्रेशन। उसके बाद आ जाते हैं अपने
कनाडा वाले पे। तो कनाडा आने के बाद हमने वहाँ पे 20 to 30 minutes वेट किया था। मेरा जो इमिग्रेशन था वो था कैलगरी में, क्योंकि मेरा जो पोर्ट ऑफ एंट्री था वो कैलगरी था। तो किसी भी कंट्री में आप जब जाते हो तो वहाँ पे जहाँ पे आप पहले लैंड करते हो ना उसके सॉरी जहाँ पे भी आप पहले लैंड करते हो उस कंट्री में, वहीं पे आपका इमिग्रेशन होता है। तो मेरा कैलगरी था, कैलगरी टू एडमिंटन मेरी दूसरी फ्लाइट थी, तो इमिग्रेशन हमारा कैलगरी में ही हो गया था। तो वहाँ पे सब कुछ बताते रहते हैं, आप जैसे इमिग्रेशन काउंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपके पास जो है ना 2-3 चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए, इसके अलावा वो कुछ नहीं मांगते। अराउंड 10 से 15 स्टूडेंट का इमिग्रेशन मेरे सामने था, मतलब मैंने देखा था अपने बारी का वेट करते हुए। तो जो मेन जो क्वेश्चन थे जो सब उन्होंने हर किसी से जो पूछा था, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि उन्होंने क्या क्या पूछा था। तो सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट मांगते हैं, दूसरा आपका मांगते हैं आपका कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर, जो कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर है, तीसरा मांगते हैं आपका GIC मांगते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको आपके पास होनी चाहिए, कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर या ऑफर लेटर, आपका बायोमेट्रिक, आपका जो बायोमेट्रिक लेटर आता है ना, जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं हम, जो हमारा जब हम अप्लाई करते हैं और जब हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो वो लेटर भेजते हैं पासपोर्ट स्टैम्प करने से पहले, तो वो ईमेल का जो ना आपके पास होना चाहिए, बायोमेट्रिक आपके पास होना चाहिए, आपका किस बैंक में GIC है, आपने ट्रांसफर करवाई है, वो GIC सर्टिफिकेट, GIC लेटर वो आपके पास होना चाहिए। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपसे वो ओवरऑल मांगते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट है, अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा होगा डॉक्यूमेंट्स का तो मैं वहां पे जो है ना दे दूंगी आपको। इन केस अगर उनको कुछ डाउट होता है तो फिर वो फर्दर जो है ना इंक्वायरी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो पूछे थे उन्होंने दूसरे बच्चों से, वो मैं बताती हूँ। तो वहाँ पे क्या था कि एक तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक लड़की से जिसको जाना था टोरंटो, वो आई कैलगरी। तो उसने इमिग्रेशन जो बंदा था ना उसने पूछा कि मतलब इंग्लिश में पूछते हैं ऑब्वियसली, मैं बता दूँ आप लोगों को। तो उसने पूछा कि आपको कहाँ है कॉलेज, उसका कॉलेज टोरंटो में, आई वो कैलगरी है तो ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि आप अगर टोरंटो थे तो आप टोरंटो क्यों नहीं गए, आप कैलगरी क्यों आए? क्योंकि आप जब कैलगरी आते हो तो आप टोरंटो के ऊपर से ही फ्लाई करके आते हो, तो यहाँ क्यों आए, आपको वहीं पे उतरना चाहिए था। तो ये वो लड़की मतलब ऑब्वियस है कि आप वहाँ पे ना आकर के आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो। तो फिर उसने बोला कि मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स है तो मैं कुछ टाइम के लिए अपने रिलेटिव्स के पास रहूँगी फिर मैं वहाँ जाऊँगी, अभी कॉलेज स्टार्ट होने में टाइम है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर किसी से पूछा था कि मोस्टली जो क्वेश्चंस को पूछते हैं कि आपका कौन सा कोर्स है, ठीक है, मोस्टली उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे थे, एक ये वाला अलग था और तो सबके वही थे क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने मेरे से जो पूछा था, उन्होंने पूछा था कि मेरा कोर्स कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है और कितनी लेंथ है इसकी, बस सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने मुझसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं देखा, सिर्फ मेरा जो है पासपोर्ट लिया था, इसके अलावा कुछ नहीं देखा उन्होंने। सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे थे और मेरा स्टडी परमिट मेरे हाथ में था। उसके अलावा वो पूछ सकते हैं, एक तो से पूछा था कि आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। फिर एक बंदा था वो शायद PhD कर रही थी वो लड़की, तो उससे पूछा था कि मतलब आपके प्रोफेसर कौन है, क्योंकि PhD का तो कुछ ऐसा रहता ना कि उनके प्रोफेसर फिक्स होते हैं, ऐसा कुछ रहता है, तो उससे वो क्वेश्चन पूछा था। और एक से पूछा था कि आप कहाँ रह रहे हो, आप यहाँ पर आए हो तो आप कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे वो बताओ। तो ये क्वेश्चंस पूछे थे वहाँ पर। इसके अलावा मतलब सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप जेन्युइन हो तो इसमें कोई इशू होता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता होती है सारी चीज़ें क्या है, तो आप उसका इजिली जो है आंसर कर सकते हो। तो ये था इमिग्रेशन का मेरा एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही अच्छा था। और मेरे को लगा था मैं इतना स्ट्रेस ले रखा था यार इमिग्रेशन का, ये पता नहीं क्या हुआ है। तो इमिग्रेशन का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्मूथ जाता है, क्योंकि अगर आप जेन्युइन हो तो आपको हर एक चीज़ पता होती है। एक क्वेश्चन, आप यहाँ पे कितने दिन स्टे करने वाले हो, तो कितने दिन स्टे करने वाले हो मीन्स इसका मतलब होता है आप अपने कोर्स की लेंथ बताओ। मेरा 1 साल का कोर्स है तो मैं 1 साल रहूंगी। आई नो पता होता है कि 1 साल का आप कोर्स लेके आए तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 2 साल का कोर्स है तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन आप वो नहीं बोलोगे। आप इमिग्रेशन पे आपको बस यही बोलना है कि मेरे जो कोर्स की लेंथ है वो 1 साल है, तो मैं यहाँ पे 1 साल ही स्टे करने वाली हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये था टोटल इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस। एंड वहाँ के रहे, वहाँ के बंदों की बात तो बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, नाइसली बिहेव करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। जस्ट एक टिप्स है कि जब आप जाओ तो आप उनको स्माइल करो,
ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग, हे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, बस फिर अपना क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाते हो ना, तो उनको भी लगता है हाँ बंदा जेंटलमैन है, और थोड़ा सा डरे होते तो उनको भी पता है कि स्टूडेंट है, डरे हुए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपको जनरली आंसर करना है ना, तो बस ये चीज़ें होती हैं। और बस यही मांगते हैं, और ये था मेरा एक्सपीरियंस, और कुछ याद आएगा तो मैं किसी और वीडियो में शेयर कर लूँगी, तो फिलहाल तो मेरा एक्सपीरियंस यही था, तो काफ़ी अच्छा था इमिग्रेशन एक्सपीरियंस, और एयरपोर्ट एक्सपीरियंस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो थोड़ा सा बता दिया है। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी मैं कंसल्टेंट तो हूँ नहीं कि मैं कुछ ऐसा बताऊँ आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस रियल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो यही चीज़ें होती है। बाकी डॉक्यूमेंट की अगर फोटो मिल गई तो मैं फोटो लगा दूंगी। तो चलो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसको वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं, और आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस डाल रही हूँ मैं थोड़ी ठीक ठाक सी वहाँ पर। इंडिया व्लॉगर मनीषा करके है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।